बस्तर लोकसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता, इसलिए बस्तर से बीजेपी नहीं जीत पाई। उन्होंने पोलावरम, इंद्रावती, जल बंटवारे समेत नक्सल मुद्दों के संसद के माध्यम से सुलझाने की बात कही। सांसद दीपक बैज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में मोदी की लहर है, लेकिन बस्तर में जो है मोदी की लहर नजर नहीं आई। और इस वक्त हमारे साथ बस्तर के सांसद दीपक बैज है, जो भी वर्तमान में विधायक भी हैं। बैज जी, कैसे लगता है कि मोदी का असर जो है बस्तर में नजर नहीं आया? आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जो नजर नहीं आया? नहीं, देखिए, बस्तर में हम लोग पिछले 2013 के विधानसभा में भी 12 में से 8 विधायक जीत के आए, और उसके बाद 2018 में भी 12 में से 11 विधायक जीत गए। इसलिए बस्तर की जनता पुनः कांग्रेस पे विश्वास की है। और रही बात मोदी की लहर बस्तर में, तो कोई मोदी को जानता ही नहीं है। पिछले काफ़ी वर्षों से पानी को लेकर लड़ाई हो रही है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच, उस नदी को लेकर, तो उस पर आप क्या प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से इंद्रावती नदी मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही आती है, और उड़ीसा जल बंटवारे को लेकर ये सेंट्रल का मुद्दा है। मुझे उसी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से सेंट्रल में जाने का अवसर मिला, और हम लोग संसद में, इस सदन में इस मामले को लेकर उठाएंगे कि विपक्ष होने के नाते बस्तर की आवाज़ को हम सरकार तक रखेंगे। जिस तरह से NMDC का निजीकरण का मामला, अडानी का हमारे आयरन ओर लेने का मामला, उसके बाद हैदराबाद NMDC का मुख्यालय बस्तर लाने का मामला, रेल से हम रेल लाइन से रायपुर और दिल्ली तक जोड़े, ऐसे बहुत, पोलावरम का मामला, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जहां बस्तर की बात को हम संसद तक रख सकते हैं। नक्सल मामले पर क्या कहेंगे? नक्सल मामले पर देखेंगे, अभी सरकार, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है यहां पे, CM साहब उस पर एक कमेटी बनाई है, लगातार उस पर चर्चाएं चल रही है, विचार चल रही है, उस मामले पर स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, जब जरूरत आएगी तो हम फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे। ये थे बस्तर के सांसद दीपक बैज, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज़ जो है संसद तक पहुंचेगी, और काम कराने के लिए वो जो है हर वक्त जो है मौजूद रहेंगे और छत्तीसगढ़ का जो है नाम रोशन करेंगे। कैमरा में लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।